तो ये राम मंदिर यहाँ का काफी है, सब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे को सब खाने पीने के। मेरे एक सब्सक्राइबर मिल चुका है सब, तो घर की सामग्री भी यहाँ पे आपको। गाइस सलाम नमस्ते कैम छोटा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इसके व्यूलो में। तो गाइस अभी हम लोग हैं राधा खाड़ी के मेले में, और आज हमारे साथ धीरज जी और हमारे बाबा जी हैं। तो बने रहे वीडियो में, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। गाइस चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच सके। तो गाइस अभी राधा खाड़ी में बहुत ज्यादा क्राउड है और यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, बने रहिए, काफी ज्यादा देख सकते हो। अभी हम लोग राता खाड़ी के मेले में, और आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। तो चलते हैं मेले के अंदर और आपको पहुंच के दिखाते हैं मेले के अंदर कितनी भीड़ है और कोरोना ख़त्म होने के बाद कैसा माहौल है मेले का। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी लाजवाब होने वाला है। भाई सब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे खिलौने हैं बच्चों के खेलने के लिए है, और बहुत सारी चीज़ आपके खाने पीने की सब कुछ मिल जाएगी। और मेला बहुत काफ़ी ख़तरनाक लगा हुआ है आप देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ गोगल्स हैं खरीदते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको हर एक चीज़ आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो। और गाइस ये रहे हमारे बाबा जी और धीरज जी। तो धीरज आपको कैसा लग रहा है? अभी तो भाई आया, अभी क्या बताऊँ, पहली बार इतना कोरोना के बाद भीड़ देखने को देने मिला है। बहुत गाइस कोरोना के बाद तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी देखने को मिला है, बहुत भीड़ है यहाँ पे। गाइस अभी चलते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर चल के आपको दिखाते हैं यहाँ का व्यू। गाइस काफ़ी ज़्यादा बड़ा मेला लगा है, बहुत दूर तक है, और पीछे काफ़ी ज़्यादा दूर से स्टार्ट होता है और बहुत दूर से आगे, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है, बहुत भीड़ लगी है। और तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी खाने से पीने के लेके सब चीज़ें, और चलते हैं कुछ सामान वामान परचेज करते हैं। और कोरोना के बाद तो पहली बार गाइस इतना भीड़ देखने को मिला है, नहीं तो क्या बोला जाए, पहले तो इतना हर जगह मेला लगता था, कुछ भीड़ भाड़ नहीं रहता था, और बहुत भीड़ है गाइस। आप पीछे सब देखते, पूरा पब्लिक पब्लिक है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो गाइस अंदर चलते हैं मेले के अंदर और कुछ सामान परचेस करते हैं, फिर मिलते हैं आपको। और चैनल पर गाइस ठोक के सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। देख सकते हो यहाँ का जो मंदिर है वो सामने है, शिव जी का मंदिर है, और गाइस काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। और बाबा जी बोले कि चलो मंदिर चलते हैं, तो गाइस चलते हैं फिर मंदिर पे, वहाँ पे चल के आपको मिलते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, मैं सच में दिल से बता रहा हूँ गाइस, इतना ज़्यादा मैं पहली बार भीड़ देखा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है आज तो, मतलब कोई शब्द नहीं है, बहुत भीड़ है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। कोरोना के बाद तो पहली बार मैं बता रहा हूँ गाइस, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्या बताऊँ, कोरोना के बाद पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ पर देखने को मिला है। और गाइस आप देख सकते हो सामने राम मंदिर, और मंदिर यहाँ पर है, और यहाँ पे काफ़ी सारे फूल सब मिल जाएंगे आपको चढ़ाने के लिए। और देख सकते हैं मंदिर पे भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और गाइस सब देख सकते हो मंदिर ये रहा, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। तो ये रहा मंदिर, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और चलते हैं इधर जो मार्केट लगता है वहाँ पे, गाइस सब देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। मेरे एक सब्सक्राइबर मिल चुका है, वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, हाँ देखो फुल सपोर्ट गाइस, आप लोग टोक के सब्सक्राइब करो। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और यहाँ पे देख रहे हैं सामने पीछे मंदिर है रहा, और ये हमारे बाबा जी, और देखो यार पत्ता वत्ता गिर गया है, और मिल गए हैं, तो मिलते हैं भाई से, कुछ बात बात करते हैं, सेल्फी वेल्फी लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको मेले के जो अंदर जो सामान वामान जहाँ पर सबसे ज़्यादा लगा है वहाँ पर मिल के चलते हैं, आपको वहाँ पर दिखाते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं मेले के अंदर और मास्क निकाल लेता हूँ यार, ऐसा मास्क लगे ब्लॉग बनाने में थोड़ा ऑकवर्ड लगता है अपने को भी। और अभी चलते हैं मेले के अंदर, और बाबा जी थोड़ा स्लो चलते हैं, अब जानते हैं बुजुर्ग हो गए हैं तो थोड़ा धीरे ही चलेंगे। तो और मेरे एक सब्सक्राइबर मिले थे भाई, मज़ा आ गया यार, अपने भी कोई कोई जो है कि मिल जाता है, और दिल से अच्छा लगा। और अभी पीछे बाबा जी आ रहे हैं, और गाइस सब देख सकते हो हम जो मेले के जो अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा सामान आपको मिल जाएगा। चलिए आपको बैक कैमरे दिखा दूँ। तो गाइस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है अंदर, और यहाँ पे आपको सब खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी, और पूरा भरमार लगा हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा क्राउड है। कोरोना के बाद क्या बोलूँ, आप बोलोगे कि एक ही बार हर बार एक ही वर्ड बोल रहा है, एक ही वर्ड बोल रहा है, लेकिन गाइस रियली बता रहा हूँ कोरोना के बाद पहली बार इतना भीड़ मेले में देखने को मिला है। और गाइस आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पे, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और धीरज ऑफिशियल पहली बार इतना भीड़ देखने को मिला ना मेले में? पहले मैं जाते थे ना, हाँ कोरोना के बाद तो पूरा एकदम बवाल मच गया गाइस, इतना भीड़ है ना, इतना भीड़ है ना,
कुछ कहने का वर्ड नहीं है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और धूप भी इतना कड़क है ना, और ऐसे धूप में खड़ा रहने का मन ही नहीं कर रहा एकदम। और गाइस ऊपर से पहन लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा और गर्मी हो रही है और धूप तो भाई काफ़ी कड़क है भाई बहुत। और आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएगा, बिंदास आके खरीद सकते हैं। मेला तो काफ़ी भव्य लगा हुआ है। और गाइस ऐसे आप प्यार सपोर्ट दीजिए, आपको पूरा दिल से ब्लॉग बनाएंगे और जहाँ जहाँ देखने लायक मेला जो कुछ रहता है सब आपको दिखाएंगे। पहले से बाहर चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हो गया है लेट, और अभी चलते हैं दूसरे जगह। सोच रहे हैं कि सोमनाथ का भी मेला यहाँ पे लगता है उसको भी कवर कर लें, तो टाइम मिलता है तो सोमनाथ भी चलते हैं। और बाबा पूछ रहे हैं अंगूर कितने रुपये किलो है, उसके बाद फिर मिलते हैं आपको गाइस लेके। और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा है, आपको सूखी मछली भी मिल जाएगी बहुत सारी है, ये सब देख सकते हैं। पूरा मछली है, सूखी मछली है, पूरा मछली इधर है। अरे लेनी है ले जानी सर, तो घर की सामग्री भी यहाँ पे आपको मिल रही है सब कुछ, और छोटे मोटे सब सामान आपको मिल जाएंगे देख सकते हो। गाइस यहाँ पे कपड़े वपड़े सब मिल रहे हैं, कपड़े भी आप खरीद सकते हो यहाँ पे। और गाइस मेरे बाबा जी बहुत स्लो चल रहे हैं, इतना ज़्यादा धूप है ना मज़ा नहीं आ रहा है यार। और अभी सोच रहे हैं कि चले सोमनाथ में भी मेला आज लगता है, तो सोमनाथ में सोच रहे हैं चलने के लिए। और बाबा जी परेशान है पायल वायल लेने चक्कर में, बोल रहे हैं कि मैं छोटी सिस्टर के लिए लेने के लिए। और मिलते हैं आपको गाइस। गाइस आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद है, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।